Hello everyone. Welcome back to Aparna Chef Aparna Kulakar's cookery session again after so many weeks. Today she'll be preparing green pav bhaji for the winter days so that you can munch on the very amazing hot cuisine. So over and out to Chef Aparna Kulakar. नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? है ना, विंटर्स चालू हो गए हैं और कुछ चटपटा खाने की इच्छा होती है, भूख भी लगती है भाई, और कुछ गर्मा गर्म हो जाए। अभी 5 बजे का टाइम ऐसा रहता है कि कुछ तो भी खाना है और इमिजिएटली डिनर का टाइम होता है, तो ऐसा कुछ जो स्नैक जो थोड़ा बड़ा भी हो। तो अच्छी अच्छी सब्जियाँ आई है, तो शुरुआत करते हैं हरियाली पाव भाजी या ग्रीन पाव भाजी। लेकिन इसमें भी एक है कि ग्रीन पाव भाजी में मैंने आपके लिए, खास आप लोगों के लिए, एक ग्रीन चीज़ तैयार किया है, वो भी 2 फ्लेवर में। यूनिक फ्लेवर है भाई, आज तक किसी ने नहीं बनाए। तो चालू करते हैं। शुरुआत में हम लोग, ये गैस ऑन कर लिया है मैंने। इसके लिए देखिए, आप मुझे ट्रे देख सकते हैं, पूरी हरी हरी चीज़ें हैं और हरी चीज़ों से आज ट्रे भरा हुआ है। रेड कुछ मेरे ख्याल से एक दो हरी मिर्च है, खाली रेड मिर्च। चलिए तो शुरुआत करते हैं बटर से। पाव भाजी है तो अमूल बटर, जो सबका फेवरेट है। मैं 2 टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ। हम लोग देखिए कितना शानदार है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट है। बटर हमेशा अकेले नहीं डाला जाता, तो 1 टेबलस्पून इसके साथ तेल। वजह जानते हैं आप, बटर पूरा जल जाएगा नहीं तो, राइट। अभी ये मैंने बटर डाला हुआ है, इसके साथ कुछ प्याज, थोड़ा गर्म होने देती हूँ। इतनी सारी, जब भी मार्केट में हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो मुझे तो कंट्रोल ही नहीं होता। इतनी सुंदर सुंदर हरी हरी सब्जियाँ, हर सब्जी बहुत रसीली भी होती है ना, आपको भी ऐसा लगता है ना। देखिए ये प्याज, थोड़ा सा प्याज डाल देती हूँ मैं, इसको थोड़ा होने देते हैं। हरी प्याज भी है भाई, हरा लहसुन भी है, तो ये होने देते हैं। इसके साथ ये जो स्प्रिंग गार्लिक है ना, इसका जो वाइट हिस्सा है वो मैंने थोड़ा सा लिया हुआ है, ये इसके साथ जाएगा। हरा हिस्सा भी ना फेंके आप, इसकी बहुत ज़्यादा फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है और इसकी बहुत ज़्यादा रेसिपी भी अलग अलग है ना। तो ये ग्रीन गार्लिक देखिए कितना शानदार वाइट, और इसका मिक्सर। इसके साथ आप चाहो तो थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा डालना है यहाँ पे। अच्छे से देखिए कितने अच्छे से बबल बबल हो रही है ये सब। और ये जो मैंने मिक्सर बनाया है, हरा धनिया, हरी मिर्च, हरा गार्लिक और थोड़ा सा अदरक। देखिए आपके घर में अगर जैसे तीखा खाते हैं वो हिसाब से आप डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर हम लोग आज नहीं डालेंगे। देखिए आपको जो हरी मिर्च, अगर बच्चे हैं और मतलब थोड़ा कम तीखा खाते हैं तो इस टाइप की जो हेलोपिनोज रहती है ना, इस टाइप की आज बहुत मोटी वाली आती है, ये कम तीखी रहती है लेकिन इसमें बॉडी रहती है ना। जब भी कोई पेस्ट बनाए तो इस टाइप का बना ले। तो आपके घर में कितना हरी मिर्च पसंद करते हैं उस हिसाब से आप ये पेस्ट बनाएं। मैं थोड़ा सा और डालती हूँ, मेरे पिया जी को हरे मिर्च बहुत पसंद है, तो ये थोड़ा सा और हरी मिर्च और ये गार्लिक की फ्लेवर, हरा बहुत सुंदर उसका अरोमा। इसके साथ हम लोग डालेंगे ये देखिए, ये हरा प्याज का वाइट वाला हिस्सा, ये जो है 2-3 प्याज का मैंने ये वाइट वाला हिस्सा लिया हुआ है। इसके साथ कुछ कैप्सिकम, हरी शिमला मिर्च, ये मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च ली थी,
कुछ हरे मटर, मटर जब अभी ताजे ताजे आ रहे हैं, सुंदर आ रहे हैं, तो इसको छील के मैंने पार बॉईल किया हुआ है। तो कुछ मटर के दाने, देखिए सब सुंदर हरा हरा हरा। इसके साथ मैं थोड़ा सा नमक डालना चाहूँगी। थोड़ा सा, ताकि ये जो सब्जियाँ है थोड़ी सी जल्दी पके, राइट। देखिए ये प्याज और इसके साथ ये हरे हरे टमाटर है ना, इसका भी खट्टापन बहुत अच्छा लगता है, बहुत टैंगीनेस बहुत अच्छा लगता है। और इसमें भी जो हमारे गांव वाले रहते ना, जैसे ओरिजिनल जो टमाटर, वो लेने चाहिए अपने। तो ये मैंने दो या तीन टमाटर, और देखिए ये जो इसका जूस निकल गया ना, वो हम लोग यूज़ करेंगे। भाई पाव भाजी है तो थोड़ी पतली तो होती है, इसको हमने ज़्यादा सुखाना नहीं है। तो ये टमाटर, वाओ, देखिए इसमें आप पैन में देख सकते हैं कितनी शानदार ये सब्जियाँ। हरा टमाटर जो है ना, उसको पकने को थोड़ा टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए इसको क्या करेंगे, ढक देंगे। इसके साथ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो है, देखिए ये मैंने प्यूरी बना लिया है, किसका, पालक का, राइट। स्पिनच जो है, क्या करना है, इसके पत्ते पत्ते तोड़ना है। गरम पानी पहले कढ़ाई में कर लेना है, जो भी बर्तन में आप करेंगे, गरम पानी होने के बाद इसके पत्ते डालेंगे। और जैसे ही ये हो जाए, एकदम इमीडिएटली कोल्ड वाटर में आप क्या करेंगे, इसको डालेंगे, तो ये जो कलर है ऐसे ही रहेगा, राइट। और जैसे फ़ोन आया ना, तब लेना नहीं। तो ये जो चीज़ है ना, आराम से और ध्यान देके करने की, तो ये ऐसा हरा रंग आपको मिल जाएगा। ये देखिए कितना शानदार ये हरा कलर है ना, कलर की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं। तो ये मैं हटा देती हूँ। इसके साथ ये वाला हरा प्याज का हरा हिस्सा और कुछ हरा धनिया बारीक धो के, बारीक काटा हुआ। कितनी अच्छी हरियाली है, देखिए। इसके साथ ये जो हरी मिर्च, ये थोड़ी मैंने अभी मोटी वाली ली, ताकि बहुत ज़्यादा तीखा ना हो। देखिए ये हमारा पाव भाजी, कितना शानदार कलर। इसके साथ थोड़ा सा मैं पहले ये गार्लिक, हरा गार्लिक थोड़ा सा डाल देती हूँ, और थोड़ा सा बाद में यूज़ करेंगे, राइट। और ये कुछ दो उबले हुए आलू, इसको क्या करना है, उबलना है और स्मैश करना है, या फिर टुकड़े करके फिर उसको पाव भाजी क्रशर से हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये आलू डाल ही देती हूँ, इतने सारे मतलब बहुत अच्छे आराम से खा सकते हैं, और एकदम मज़ेदार रहेगा, है ना। देखिए इतनी सारी सब्जियों के साथ ये क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा, बाइंडिंग का काम करेगा। ये देखिए, देखिए आलू वाइट आ गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वाइट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने इतनी सारी हरी हरी चीज़ें डाली है। अब वक्त है ये हमारे प्यूरे का। देखिए ये पालक प्यूरे, इतना शानदार। कुछ मैं बचा के रख रही हूँ आपको, जो ग्रीन चीज़ बनाना सिखाने वाली हूँ उसके लिए। इसका ये शानदार कलर ग्रीन। अभी इसको सब्जियां अच्छी तरह से पक गई है ना। थोड़ा सा नमक डालेंगे हम लोग, जो पहले स्टार्टिंग में बहुत कम डाला था, तो अभी थोड़ा सा नमक। इसके साथ ये पाव भाजी मसाला, आप चाहो तो थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हो। कुछ कसूरी मेथी के पत्ते, इसको क्या करना है, थोड़ा हाथ पे
रगड़ना है। देखिए इसका जो फ्लेवर है इनहांस हो जाएगा, और ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो, नहीं तो चल जाएगा। देखिए अभी ये पाव भाजी हमारी करीब करीब तैयार हो गई है। इसको अभी क्या करेंगे हम लोग, पाव भाजी क्रशर से, सॉरी ये क्या करेंगे, पकी हुई सब्जियों को आराम से थोड़ा सा मैश करेंगे। देखिए बाप इतना शानदार अरोमा इसका, भाई अमूल के साथ बना रहे हैं तो चीज़ तो जाएगा, ये ग्रीन चीज़ पाव भाजी। तो मैंने जो बना के रखा है वो तो दिखाऊंगी, उसके पहले थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, और सबसे आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए चीज़ के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ ये इस तरफ से लगता नहीं है, अगर आप तेल का हाथ लगाएंगे ये कद्दूकस जिससे करते हैं तो ये चीज़ आपका वेस्ट नहीं जाएगा, राइट। ये गृहिणियों को छोटी छोटी बातें पता रहती है ना। ये हमारा चीज़ मेल्ट हो गया है, नींबू का रस, और इसके बाद सबसे आखिरी में सर्व करने के पहले थोड़ा सा ये अमूल बटर, देखिए आखिरी में ज़रूर डालें क्योंकि ये बटर से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। वाओ अभी जो हमारा ग्रीन चीज़ मैंने बताया है वो सर्व करते समय डालेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे है। इसको थोड़ी देर में ढक देती हूँ और आपको ये गैस थोड़ा स्लो करेंगे। देखिए ये जो है ये पत्ते जो है ये है हल्दी के पत्ते, राइट। ये हल्दी के साथ मैंने ग्रीन चीज़ बनाया है, कैसे बनाया मैं रेसिपी आपको बता देती हूँ। ये देखिए आराम से इसका पूरा जो अरोमा है वो इसके साथ निकल आया है, और ये कैसे सर्व करेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये जो इसकी रेसिपी ज़रूर बताना चाहूँगी, लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बना है। ये इस आप ध्यान से देख लीजिए और फिर इसकी रेसिपी हम लोग शुरू अब करेंगे। वाह देख लीजिए थोड़ा सा कितना शानदार ये हरा हरा कलर हमारे पाव भाजी का, और अभी सर्व करेंगे हम लोग पाव भाजी एक प्लेट में, जिससे भी आप चाहोगे वो एक शानदार प्लेट में आप सर्व कर सकते हो। तब तक क्या करेंगे, इसके साथ कुछ नींबू के पत्ते, और ये जो मैं आपको चीज ग्रीन चीज के साथ बता रही हूँ ये थोड़ा हम लोग कट करेंगे। देखिए ये जो है ग्रीन चीज, आप चाहो तो इसको, मैंने फ्रीजर में रखा था क्योंकि आपके साथ ही लाइव पहली बार बनाया है और रखा है थोड़ी देर पहले, या तो इसको ऐसे कद्दूकस करेंगे। देखिए ये
शानदार हरा रंग, भी चीज़ भी सफ़ेद क्यों लेंगे, है ना, हरियाली पाव भाजी में। तो ये इसका ग्रीन चीज़, ग्रीन पाव भाजी के साथ ग्रीन चीज़, देखिए कितना शानदार अंदर से भी, है ना। हम लोग कद्दूकस कर रहे हैं तो भी एक मतलब उसका कलर बहुत शानदार वैसे की वैसी है। और अभी इसको सर्व करती हूँ, फिर आपको दो टाइप के चीज़ बना के दिखाऊंगी। कुछ आपको जो भी प्लेट अच्छी लगे उसमें आप सर्व कर सकते हैं। ये जो पाव भाजी है, थोड़ा चीज, ये थोड़ा ग्रीन वाला चीज, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से वाइट भी अच्छा लगेगा। तो कुछ ग्रीन चीज और कुछ व्हाइट अमूल का प्रोसेस चीज, ये हम डालेंगे इसके साथ। एक क्यूब इसका निकाल लेती हूँ मैं और वो डालना चाहूंगी। किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? श्रीनिवास जी पूछ रहे कि अमूल पनीर ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आज मेरा थोड़ा ग्रीन थीम है इसलिए मतलब मैंने ग्रीन कलर का सब लिया है। अमूल है हमारे साथ तो भी इतनी सारी शानदार, हाँ तो इतना शानदार सब है तो अमूल के साथ तो जाएगा। मैं एक मिनट ये हटा देती हूँ और इसके साथ कुछ पाव और पनीर, पनीर अगर आपको यूज़ करना है तो कुछ हरियाली पनीर, मतलब मैरिनेशन में पनीर को ग्रीन मैरिनेशन में डाल दीजिए, जैसे कि ये हरा हरा सब कुछ हमारे पास पेस्ट है। और मैरिनेशन तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं भाई, इतनी सारी हरी चीज़ें हैं, उसकी रेसिपी भी आपको पता है हरियाली पनीर की, नहीं है तो पूछ लीजिए। तो हरियाली पनीर भी आप डाल सकते हैं उसमें। देखिए ये मैंने थोड़ा सा और ये हमारा पाव, देखिए इसको भी मैंने थोड़े से हरा हरा दिख रहा है ना आपको, थोड़ा हरी हरा धनिया के साथ और हरे गार्लिक के साथ इसको मैं सर्व करती हूँ। पाव, हरे हरे मसालेदार पाव, जिनको हरी मिर्च और गार्लिक बहुत पसंद है उनके लिए ये शानदार पाव। ये हमारा हरियाली पाव भाजी या फिर ग्रीन पाव भाजी। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। पता है आप सबसे इंटरेस्टिंग आज के सेशन का जो पार्ट है वो है ग्रीन चीज, है ना, और नए नए फ्लेवर के साथ एकदम अलग तरीके से। जैसे आपने ये देखा ही है कि कैसे है ये वाला हमारा ग्रीन चीज, है ना, ग्रीन चीज कैसा है वो मैंने दिखाया। अभी इसकी रेसिपी दिखाना चाहूंगी। आज थोड़ी ज्यादा खुश हूं मैं क्योंकि कल ही मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है वेटरनरी, नेशनल वेटरनरी कॉलेज यानी इंडिया के पूरे वेटरनरी कॉलेज की तरफ से। डेयरी प्रोडक्ट पे मैंने काम किया है बहुत ज़्यादा और उससे लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलता है, तो और वो भी लेडीज़ के लिए, तो वो शानदार इतने साल की मेहनत का मतलब फल मिल गया है। क्योंकि गाँव गाँव जाके नक्सलाइट एरिया में जाके भी मैं लेक्चर्स लेती हूँ, उनको सिखाती हूँ, और पनीर के अलग अलग फ्लेवर और श्रीखंड जैसी चीज़ें, है ना, जिसमें
कैसे फ़ायदा मिल सकता है, ये सब ट्रेनिंग देती हूँ। तो इसका कल मतलब अवार्ड मिला है तो इसलिए ज़्यादा खुश हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी ये जो है पनीर की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे, देखिए ये जो है मैंने छेना निकाला हुआ है ना, या तो हमारे पास अमूल है तो अमूल का पनीर लेना है, उसको क्या करना है क्रश करना है। इसके साथ अमूल का ये प्रोसेस चीज़, या तो आप खुद छेना फाड़ के उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ये जो मैंने केले इसके पत्ते लिए, हल्दी के पत्ते, राइट। तो ये राइट, ये जो पत्ते हैं इसको क्या करना है, मैंने देखिए आपके लिए बना के रखा है, इसको खाली पानी में सोक किया हुआ है, जैसे इस टाइप से हाथ से तोड़ के कुछ पत्ते। हम लोग कई रेसिपी करते हैं राइट, केले के पत्ते के मोदक बनते हैं महाराष्ट्र में, और कोकण में तो बहुत मतलब फेमस है, कई सारी पानकी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, लेकिन गार्लिक की वैल्यूज़ भी बहुत अच्छी रहती है, और बहुत ज़्यादा हल्दी है ना, हल्दी के पत्ते, और जब ये स्टीम होता है या कुछ होता है तो इसके अरोमा का कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब इतना अच्छा अरोमा, सौंधी सौंधी महक जो रहती है ना वो रहती है। तो देखिए ये मैंने पानी में डुबा के रखा है, तो ये मैंने प्रोसेस चीज़ और छेना लिया हुआ है, ये जो अमूल का गोल्ड मिल्क है, देखिए आपको दिख रहा है, इसको फाड़ के छेना बनाया हुआ, देखिए, और बहुत आसानी से बनता है छेना। कैसे करना आप सबको पता है ना, और जब फाड़ोगे दूध तभी भी आप थोड़ा सा ये हल्दी के पत्ते हैं ना वो उसमें डालना, उसका जो पानी है उसमें फिर डुबा के ऐसे रख सकते हैं, तो ये पूरा फ्लेवर, ये जो फ्लेवर है इसका वो उसमें आ गया है। तो ये पानी, थोड़ा सा हल्दी वाला, और मैंने बोला था आपको कि इसके साथ कलर के लिए थोड़ा सा पालक का प्यूरे, ठीक है, ये इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और अभी जब हम लोग पाव भाजी बना रहे थे तो वो जो सुगंध आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत अच्छा आ रहा था इसका, क्योंकि वो जो मोदक बनाते हम लोग तो उसके साथ जो अरोमा आता है वही अरोमा मैंने महसूस किया, वैसा ही मतलब अरोमा मैंने महसूस किया। कोकण के जो भी लोग हैं, जो भी है, ये थोड़ा माइक में मेरा एडजस्ट कर रही हूँ उनके साथ, देखिए जो भी, जब भी ये मोदक बनते हैं और स्टीम होता है और उसका जो अरोमा है पानी का, ये काश हम लोग रूबरू होते और ये जो इसका जो सुगंध है वो, मैंने बीच में आपको वर्मासिली भी सिखाई थी कोकण में राइस की, नारियल के दूध के साथ, उसमें भी मैंने ये पानी डाला था, क्योंकि इसका जो अरोमा है ना बहुत सुंदर है और इसके साथ जाता है। तो इसको अगर ब्लेंड करेंगे अच्छे से, है ना, और जैसे ऐसे मोल्ड जो हमारे पास कुकी कटर या मोल्ड रहते हैं, ऐसा लेके जैसे किसी भी चीज़ में, कोई भी थाली में आप लेके नीचे, मैंने जानबूझ के ये पत्ते में डाला है ताकि क्या हो जाए, इसका और भी अरोमा अच्छे से आ जाए। ये जो है अभी मैंने ब्लेंड नहीं किया है, लेकिन देखिए कितना शानदार कलर आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही वाइट। और ये आप जो पानी उबालते हैं, या फिर सिंपल है, हमारे पास अमूल है तो अमूल का प्रोसेस चीज़ के साथ उसको ब्लेंड करते समय थोड़ा सा क्या करेंगे आप, ये हल्दी वाला पत्ते का पानी। और आप सोचेंगे कि हर बार तो हरे पत्ते नहीं मिलते, कोई बात नहीं, आप हल्दी के पत्ते सुखा के रखेंगे ना, गोल्डन रंग के, शानदार गोल्डन सुनहरे रंग के होते, और वो भी पानी में डालेंगे तो वही अरोमा आपको मिल जाएगा। तो अभी तो हल्दी जनवरी फेब में आती है, उसके पहले ये पत्ते आपको मिल जाएंगे, और जब अगर नहीं आ रहे, ये जो है देखिए इसको मैंने ऐसे सेट कर दिया है, राइट,
मैं जब भी हाथ का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अभी तो सेफ्टी मेजर हम लोग खाना बनाते समय तो वैसे धोते ही है, लेकिन अभी तो भाई हम लोग काफ़ी अलर्ट हो गए। ये जो है इसको रैप करके मैंने ऐसे फ्रीज़र में रखा था ताकि ये पूरा हम लोगों को ये ग्रीन चीज़ मिल जाए। और यकीन मानिए ये जो हल्दी वाला जो फ्लेवर है ना, बहुत इसके क्योंकि वैल्यूज़ भी बहुत अच्छे, क्योंकि एंटी मतलब सब इतनी सारी जो इसकी जो वैल्यूज़ है वो काफ़ी अच्छी है हल्दी की, हम लोग जानते हैं। और अभी तो ये जो दौर चल रहा है, अभी जो दौर चल रहा है उसमें मतलब उसमें तो हल्दी एंटीसेप्टिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, यानी बहुत सारी चीज़ों मतलब इसके फ़ायदे हैं। तो ये हल्दी के फ्लेवर वाला ये ग्रीन चीज़, और अभी दूसरा चीज़ है ना, दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगी एक, और ये लेती हूँ। अभी देखिए ये जो है इसके लिए मैंने फिर से वो छेना और अमूल का सिंपल प्रोसेस चीज़ लिया हुआ है। भाई अमूल है तो इतनी सारी हम लोगों को गड़बड़ घाई करने की या फिर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ा छेना या अमूल का इतना शानदार मलाई पनीर है, उसको मिक्सी में घुमा दीजिए, मॉइस्चर भी बहुत सुंदर और बहुत मलाईदार रहता है। तो इसको मैंने दूसरा फ्लेवर लिया है डिल का। देखिए ये जो ताज़ी डिल रहती है इसको मैंने अच्छे से धो के काट के लिया है। अभी आप बोलेंगे कि अभी अभी आप बोलेंगे कि क्यों क्यों ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेसिपी में डिल जाता है। नॉन वेजिटेरियन लोगों को तो ये पता ही है, बहुत सारे इसका स्टफिंग जो है डिल का जाता है। तो क्यों ना हम लोग अमूल को बोले कि ये दोनों यूनिक जो है फ्लेवर्स इसके साथ जाए। और अभी फिर से इसमें थोड़ा सा पालक प्यूरे, क्योंकि कलर के लिए हम लोग आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं डालेंगे, राइट। और इसको मिक्सी में ब्लेंड करके आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं तो अभी ऐसे ही हाथ से आपको दिखा रही हूँ, है ना, ये कॉम्बिनेशन देखिए, ये एक साथ मिलके, और जो मैंने अभी 2 घंटे पहले मिला के रखा है वो भी आपको दिखाती हूँ दिल के साथ वाला। देखिए बहुत सारा जो मतलब अभी तो ग्लोबलाइज हो गया है खाना, हर कंट्री का खाना हम लोग खाते हैं, पता रहता है, तो हर बहुत सारी रेसिपी है जिसमें डिल जाता है, और बहुत स्पेशली नॉन वेजिटेरियन के लिए। तो उसके लिए ये मैंने किया हुआ है, एक मिनट, ये मैं ढूंढ रही थी। देखिए ये मिक्सर से सेम उसी प्रोसेस से हम लोग केले के पत्ते के ऊपर ऐसे ही ये मिक्सचर डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा मिक्सी से घुमा लेना या तो अच्छे से हाथ से मसल लेना। देखिए ये भी इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है लेकिन बहुत अच्छा लगता है, ऐसी सब्जी अच्छी नहीं लगती होगी। देखिए डिल और बहुत सारे फॉरेन की रेसिपी में फिश का कॉम्बिनेशन बहुत हिट है, लेकिन फिश के साथ हम लोग ये नहीं लेंगे, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए या फिर वेजिटेरियन के लिए बहुत सारी ऐसी रेसिपी है। ये जो ग्रीन चीज़ है मिडल ईस्ट के मतलब प्रॉपर्टी है, उनके नेटिव वहाँ से आया है मिडल ईस्ट से। तो सेज जो उनका मिंट मतलब फैमिली का जो सेज वैसे ही फ्लेवर का एक हर्ब है, उसके साथ वो लोग बनाते हैं। लेकिन भाई हमारे पास हल्दी है ना, और हल्दी की कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है आप सबको पता है, और इंडियंस को तो पता ही है। तो उसके साथ एक और इसके ये ऐसे मैंने फ्रीज़र में रखना है। अभी ये हटा देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि ये पहली बार बना हुआ जैसे चीज़, ये देखिए मैंने इसमें रैप किया हुआ है हल्दी के पत्ते में इसको भी, ठीक है, आपके पास नहीं है तो मिल जाता है। ये हमारा कुकी वाला लिया हुआ है कुकी कटर का, आपके पास कोई भी शेप में आप कर सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये। तो ये 2 चीज़ें मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। मेरे ख्याल से एक नया पत्ता लेके अच्छे से इसको हम लोग सर्व करेंगे। ये पत्ता बिल्कुल फेंके मत, क्योंकि इसको आप सुखा के ना बहुत बार यूज़ कर सकते हैं।
और स्टीम के साथ जैसे पाव भाजी जैसे गर्मा गर्म हम लोग ये चीज़ डालेंगे तो इसका अरोमा जो है बहुत ही इनहांस होता है, बहुत अच्छा लगता है, जो खलबली मचती है ना, भूख लगती है वो वाला। चलिए ये मैंने यहाँ पे रख दिया ग्रीन चीज़, इसको यूज़ किया है हमने इसलिए ये शानदार ग्रीन चीज़। और ये दिल का ग्रीन चीज़ और ये हमारा ही ग्रीन पाव भाजी। तो कैसे लगा आपको ये दोनों रेसिपी? और हमारे हीरो जो है आज की मतलब पूरी सेशन का, वो ग्रीन चीज़ सेज जैसी चीज़ें जैसे मिडल ईस्ट से आई हुई उनकी जो नेटिव जगह है वहाँ की है, और सेज उन्होंने अपने मिंट मतलब जैसे इसका है फैमिली जैसे सेज का फ्लेवर रहता है, लेकिन हम लोग मिंट तो करते ही है, लेकिन वैल्यू जो है हमारे लिए जो इसकी हल्दी वाली बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो मुझे लगता है कि अमूल ने ये ऐसा एक कुछ हल्दी वाला ग्रीन चीज़ निकलना चाहिए, हल्दी का फ्लेवर वाला, और उनको पता ही है कि कितना शानदार और अच्छा रहता है। किसी के कुछ क्वेश्चंस है? दिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये मराठी में शेपू बोलते हैं और हिंदी में सेवा। एक मिनट, मुझे खुद को मतलब पता नहीं है, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। शेपू तो मराठी में बोलते हैं, डिल इंग्लिश में। आपको पता है किसी को तो आप बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हैं, आपको पता है तो आप बोलो। हाँ जी बोलिए। सावा सावा बोलते हैं इसको हिंदी में, तो हिंदी में सावा, मराठी में शेपू और इंग्लिश में डिल। तो ये शानदार फ्लेवर का एक वो ग्रीन चीज़ और ये हल्दी वाला टर्मरिक वाला, टर्मरिक के फ्रेश पत्ते वाला हमारा ये दूसरा चीज़। तो ये हल्दी वाला तो बहुत शानदार, अभी उसका जो अरोमा है यहाँ आके महसूस करना चाहिए तो बिल्कुल। और ये पत्ते भी मिलना बंद हो जाएंगे तो आप इसको सुखा के कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अमूल। और किसी और के कुछ क्वेश्चंस है? आपको ये सेशन कैसे लगा शाम के वक्त का? कुछ भरपेट हो जाए ऐसा लगता है ना, ये टाइम पे बहुत भूख लगती है। तो ये शानदार दो रेसिपी आपके लिए, और ग्रीन चीज़ ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा है मेरा ये इनोवेशन, आपको अच्छा लगा? और हल्दी के पत्ते के साथ कैसे आपको अच्छा लगा है, कैसे वो अरोमा हुआ है? क्योंकि हम लोग अभी रूबरू नहीं है, एक साथ नहीं है, तो आपको वो बना के देखना पड़ेगा और कमेंट करने पड़ेंगे। कमेंट करना मत भूलिए। और भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी आप लाइव नहीं हैं तो ज़रूर पूछिए, आपके सब के जवाब आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।